किसानों के एहतजाज को लेकर मोदी हुकूमत फिर एक मरतबा खौफजदा हो चुकी है। इस दफ़ा किसानों ने फिर से दिल्ली चलो का आंदोलन शुरू किया है। किसानों ने फिर से किसान आंदोलन के लिए कमर कस ली है। किसान पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान समेत कई रियासतों से दिल्ली जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस तहरीक को चलो दिल्ली मार्च का नाम दिया गया है। ताहम मुतहदा किसान मोर्चा इस तहरीक में शामिल नहीं है। ये कुछ किसान तंजीमों का मुजाहरा है, लेकिन फिर भी किसानों की तैयारी को देखते हुए पुलिस और इंतजामिया कोई ख़तरा मोल लेने के मूड में नहीं है। दिल्ली से मुसल हरियाणा, पंजाब और यूपी की सरहदों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। सरहद और सड़कों को खारदार तारों, कीलों और सीमेंट की रुकावटों से ढांपा जा रहा है। किसानों के मार्च के पेश नज़र शुमाल मशरकी दिल्ली में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। सरहद पर मुजाहिरीन को रोकने की तैयारियां हैं। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के किसान भी दिल्ली पहुँच सकते हैं। किसानों की तहरीक के बारे में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि उन्होंने मरकजी हुकूमत से एक मीटिंग करने और किसान के मसाइल का हल तलाश करने को कहा है। पुलिस के मुताबिक किसी भी शख्स को आतिशी इसलाह, तलवार, त्रिशूल, नेजा, लाठी, सलाख वगैरह ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। ऐसे लोगों को मौके पर ही हिरासत में लेने की कोशिश की जाएगी। उत्तर प्रदेश से मुजाहिरीन को दिल्ली ले जाने वाले ट्रैक्टरों, ट्रालियों, बसों, ट्रकों, तजारती गाड़ियों, निजी गाड़ियों और घोड़ों वगैरह के दाखिले पर भी पाबंदी आयद की गई है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने और अमन अमान को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि सेक्शन 144 ज़ाबिता फौजदारी 1973 के तहत एहतियाती अहकाम जारी किए जाएँ, ताकि इलाके में जानो माल का कोई नुकसान ना हो। दरअसल हरियाणा हुकूमत ने किसानों के दिल्ली मार्च से पहले 7 अजला में 13 फरवरी तक मोबाइल इंटरनेट, एसएमएस और दीगर डोंगल खदमात को मुअत्तल करने का भी हुक्म दिया है। हरियाणा के एडिशनल सेक्रेटरी महकमा दाखिला की जारी करदा अहकाम के मुताबिक अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कीथल, जुंद, हिसार, फतेह आबाद और सिरसा अजला में 11 फरवरी की सुबह 6 बजे से 13 फरवरी की रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट खदमात मुअत्तल रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंकलाब न्यूज़, नई दिल्ली।